सुनो इस मुल्क की मसनद पे जब तक हम नहीं होंगे, सुनो इस मुल्क की मसनद पे जब तक हम नहीं होंगे, सुनो इस मुल्क की मसनद पे जब तक हम नहीं होंगे, लुटेरे कम नहीं होंगे, अंधेरे कम नहीं होंगे, लुटेरे कम नहीं होंगे, अंधेरे कम नहीं होंगे। हम ही हैं जिनके दामन में उजाले ही उजाले हैं, हम ही हैं जिनके दामन में उजाले ही उजाले हैं। जरा सा आजमाओ तो सवेरे कम नहीं होंगे, सुनो इस मुल्क की मसनद पे जब तक हम नहीं होंगे, सुनो इस मुल्क की मसनद पे जब तक हम नहीं होंगे, लुटेरे कम नहीं होंगे, अंधेरे कम नहीं होंगे, लुटेरे कम नहीं होंगे। चित्राल के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक इस मुल्क के आम आदमी की आवाज, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोग, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तशरीफ लाते जनाबे सराजुल हक, नारे तकबीर, रहबरो रहनुमा, पाकिस्तान का मतलब क्या, जरा जोर से, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सराजुल हक से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, इस जिंदगी की कीमत क्या, मर्दो मोमन मर्दे हक, मर्दो मोमन मर्दे हक, सिराजुल हक हमारा, कायम सालार हमारा, सिराजुल हक हमारा, लपे अफजाल तराना, लाना है तगैयुर लाना। हक का परचम लहराना, दुनिया को है दिखल हमारा, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم برادر عزيز جناب مورید عباس صاحب، جناب عبدالوہاب نیازی صاحب، جناب حافظ جاوید صاحب، مولانا شیخ القرآن عارف شیرازی صاحب، برادر محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، جناب ظہور خٹک صاحب، جناب عظیم نمبردار صاحب، اور میرے قمر مسانی کے میاں والی کے واجب الاحترام بھائیو اور بزرگو، اور انتہائی قابل احترام میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں میاں والی کے عوام کے درمیان کڑا ہوں، اور یہ علاقہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے، بہادروں کا علاقہ ہے، قوم اور ملک کے خاطر قربانی دینے والوں کا علاقہ ہے، اور جب پاکستان پر کوئی مصیبت آئی ہے تو میاں والی کے لوگوں نے
अपनी जान भी पेश की है और अपना माल भी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि 2 महीने कबल यहां सैलाब से ये पूरा इलाका तबाह और बर्बाद हुआ है। न मीडिया को पता चला, न हुकूमत पाकिस्तान ने इस इलाके की तबाही और बर्बादी को संजीदगी से लिया। और मुझे भी 12 दिन कबल जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब ने बताया और गिला किया मुझसे कि आपने पंजाब का और सिंध का बलूचिस्तान का दौरा तो किया, लेकिन आप इसाखेल नहीं आए, आप कमर मशानी नहीं आए, आपकी हवाली नहीं आए। उस वक्त मैं एयरपोर्ट पे था, बाहर जा रहा था, लेकिन वादा किया कि मैं वापसी पर यहां जरूर आऊंगा। और रात में तवील सफर से वापस पहुंचा हूं, सिर्फ ब्रीफकेस घर में रखा है और सुबह फजर के वक्त आपकी खिदमत में रवाना हुआ हूं और आप में आप लोगों के दरमियान हूं। मेरे दोस्तों, ये बाहिम्मत इसलिए है कि मैंने अभी सुल्तान वाला में देखा, जहां पूरा गांव सफाए हस्ती से मिट गया है, मसाजिद वहां शहीद हो गए हैं, लोगों के मकानात कुछ कंडरात की सूरत में तो मौजूद है, लेकिन मुझे छत तो कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन ये बाहिम्मत लोग हैं कि जहां जहां मैं गया, लोगों ने दोबारा अपनी दीवारों को कड़ा करना शुरू किया और लोग लगे हैं मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, ये मांगने वाले लोग नहीं है। ये बैन अल-अक़वामी इमदाद के इंतजार में सड़कों पर नहीं बैठे हैं और ये एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा ईमान यकीन है इंशाल्लाह कि सैलाब ने आपके घरों को मुतासिर किया, तबाह किया, पानी में बह गया है, लेकिन आपके मजबूत तवाना जिस्मों को और बाजू को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इंशाल्लाह कि 5-6 महीने बाद ये तमाम गांव और बस्तियां पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। हम ये एक आजमाइश है, ये एक इम्तिहान है और पता नहीं किसकी गुनाहों से पूरी कौम को अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला है। कायनात में जब खैर और शर का जंग हो और शर गालिब आ जाए, शर का तराजू बारी हो जाए और नीकी हल्का हो जाए, नीकी अजनबी बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए किसी न किसी आजमाइश में डालता है। कभी जलजले की सूरत में, कभी कोरोना वायरस की सूरत में, कभी डेंगू वायरस की सूरत में, कभी सैलाबों की सूरत में। तो इसमें जो मुसलमान और मोमिन लोग होते हैं वो तौबा करते हैं, वो रुजू अल्लाह करते हैं, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, अपनी गुनाहों कोताहियों पर अल्लाह से माफी मांगता है। जो बदकिस्मत बदबख्त लोग होते हैं वो उस मुसीबत में और अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं और अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह के साथ लड़ाई शुरू करता है कि अल्लाह ने बस मेरे घर को देखा था, बस मेरे खाने को खराब किया। लेकिन हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह वाले हैं, आइए मिलकर मेरी वजह से, आपकी वजह से, किसी और की वजह से, अगर अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को पकड़ा है तो हम खुद तौबा करें,
कि अल्लाह ताला इस मखलूक को माफ करे। पानी तो रहमत है, अल्लाह ने हमारे लिए जहमत बनाया। पानी तो जिंदगी है लेकिन हमारे लिए मौत का सबब बना। पानी तो दौलत है लेकिन हमारे लिए तबाही और बर्बादी का जरिया बना। इसलिए तौबा के अलावा मैंने पढ़ा है कि मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक बार कहत आया, बारिश न होने की वजह से फसलें तबाह हो गए, फौदे तबाह हो गए, जानवर भी पानी के लिए तड़प रहे थे। और लोगों ने मूसा अलैहि सलाम से अर्ज की कि जाओ अल्लाह से हमारे लिए बारिश मांगो। वो एक बार गए, बारिश नहीं हुई, दूसरे बार गए, बारिश नहीं हुई, तीसरी बार गए, फिर बारिश नहीं हुई। और फिर अल्लाह से उसने फरियाद की कि मेरे रब, मैं तो पैगंबर हूं आपका, मैं जब भी आता हूं कोई मुतालिबा करता हूं तो आपने मेरी कौम को मन और सलवा दिया है, आपने मेरी कौम के लिए हमारा दुश्मन फिरौन को तबाह किया है, आपने एक पत्थर से हमारे लिए 12 चश्मे निकाले हैं, आपने इस सहरा में हमारे ऊपर बादल का साया बनाया है, लेकिन इतने से बारिश नहीं हो रही है और मैं मांगता हूं, और अल्लाह आपने बारिश बंद की है, मैं मांगता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तुम्हारी कौम में एक ऐसा आदमी है जो 40 सालों से गुनाह में मुब्तला है और एक बार भी उसने तौबा नहीं किया। मैंने उसकी वजह से सारी कौम पकड़ा है और जब तक वो तौबा ना करे मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। जलाली नबी थे, जलाल के साथ अपने इलाके में वापस आए, सब लोगों को एक जलसे की सूरत में बिठाया, पूरी कहानी बताई, और अभी उसने बात मुकम्मल नहीं की कि एक दम से बारिश होने लगी। अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम ने फिर पूछा कि ऐ मेरे रब, अभी तो आदमी हमारे मजमे से बाहर नहीं निकला था और आपने बारिश बरसाना शुरू की। अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरे गोद में आया, उसने तौबा की, और तौबे और इस्तगफार के वक्त आंखों से जब आंसू बहने लगे तो मेरी गैरत जोश में आ गई। इससे पहले कि उनके आंसू जमीन तक पहुंचते तो मेरी बारिश उससे पहले पहुंच गई और इसलिए मैंने बारिश शुरू की। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा ये आदमी कौन था? अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि ये आदमी जो गुनाह करता था और मैंने उस पर पर्दा डाला है, अब तो उसने तौबा किया, मेरे गोद में आया है, अब मैं कैसे उसका नाम आपको बता दूं? फिर पूछा कि चले ये तो बता दे कि गुनाह क्या करता था? फरमाया कि गुनाह ये करता था कि लोगों को आपस में लड़ाता था, बाप और बेटे के दरमियान, मामू और भांजे के दरमियान, बीवी और शौहर के दरमियान इख्तलाफात डालते थे, यही उनका जॉब और यही उनका काम था। उस वजह से मैंने ये पूरी कौम बारिश से महरूम रखी। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो एक आदमी की गलती थी लेकिन हमारा तो पूरा मुल्क, पूरी कौम, कौन सा वो गलत काम है जो हम नहीं करते हैं? हम सिर्फ वो गलत काम नहीं करते हैं जिसके करने का हमारे अंदर ताकत न हो। यहां रिश्वत आम है, यहां करप्शन आम है, यहां सूदी निजाम आम है, यहां बदकारियां आम है, यहां इज्तमाई अस्मत दरिया हो रही है, यहीं बच्चे और बच्चे अगवा हो रहे हैं, यहां आपके होटलों में शराब का कारोबार आम है, बड़े होटलों में बदकारी का कारोबार आम है, आपके अदालतों में जुल्म है और अंग्रेज का निजाम है, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत, आपकी कियादत उन लोगों के हाथ में है जो अल्लाह से गाफिल है, जो अल्लाह के निजाम के बागी है। कौन सा गुनाह है जो यहां पर आम नहीं है?
इसलिए नेकी और बदी का जब तवाजुन बिगड़ता है फिर अल्लाह ताला इंसान को मुतवज्जे करने के लिए एक से एक आजमाइश में उनको डालता है। तो मैं इसलिए आया हूं मेरे दोस्तों कि मैं आपसे अपील करूं कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमें तौबा करना चाहिए। मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? नूह अलैहिस्सलाम की जुबान में अल्लाह ताला ने कौम को पैगाम दिया था कि फकुलतु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा। तौबा करो, अल्लाह ताला जरूरत के मुताबिक बारिश बरसाएगा। व युमदिदुकुम बिअमवाल व बनीना, और अल्लाह ताला माल भी देगा, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात से भी नवाजेगा और अल्लाह तुम्हें इरिगेशन तुम्हारे नहरों को पानी से भी भर देगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त तौबा है, तौबा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अस्तगफार करो, तौबा करो। मैं एक खूबसूरत कहानी भी बयान करूं, और ये खूबसूरत कहानी एक आलमी दीन इमाम अहमद बिन हंबल के हैं। ये अपने जमाने का बहुत बड़े आलिम थे, जिस तरह इमाम अबू हनीफा एक बहुत बड़े आलिम है। ये गांव में गए, रात का वक्त था तो गांव के लोगों ने उनको मस्जिद में नहीं छोड़ा, मस्जिद की इमाम ने भी उनको घर से मस्जिद से बाहर निकाला। रात का वक्त था कि एक आदमी ने उसको हाथ से पकड़कर अपने घर में ले गए। वो आदमी इनको घर में जब ले गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनके पांव दबाने शुरू किए। सुबह जब जाने लगे तो इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने मेजबान से पूछा कि जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है आप मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, ये क्या जिक्र कर रहे हैं? उससे फरमाया कि मैं अस्तगफार कर रहा हूं, अस्तगफार पढ़ रहा हूं, और इस अस्तगफार की वजह से अल्लाह ताला मेरे हर काम को, हर मुतालबे को, हर तमन्ना को पूरा करता है। बस मेरा एक काम अब तक नहीं हुआ, और वो ये कि मेरे जमाने में एक आलम दीन है जिसका नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। मेरी तमन्ना है कि मौत मेरी मौत से पहले वो कहीं मेरे मेहमान बनते, मैं उनकी खिदमत करता, मैं उनके हाथों का बोसा लेता, मैं उसको कुछ पानी पिलाता। बस यही एक तमन्ना पूरी नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि लो, अल्लाह ताला ने आपकी यह आपका ये काम भी किया और मेरा नाम ही अहमद बिन हंबल है। अल्लाह ने मुझे रात आप ही के घर में भेजा, इसलिए कि मस्जिद के मौलवी से ने मुझे धिक्के देकर मस्जिद से निकाला। तो मैं यहाँ माएं बहनें और बेटियां भी मौजूद है, यहाँ आप सब लोग मौजूद है, मैं सबसे अपील करता हूँ कि तौबा करने पर, इस्तगफार करने पर, दुरूद और सलाम भेजने पर पेट्रोल खर्च नहीं होता है, तेल और पैसा नहीं लगता है, सिर्फ इरादा, नीयत और सोच ठीक हो। तो ए मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप लोग इंफराद और इज्तिमाई तौबा करने के लिए तैयार है कि नहीं है? आप तौबा करने के लिए तैयार है कि नहीं है? अल्लाह ताला हमें भी माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कौम को भी माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी माफ फरमाए। और इस वक्त जो जहमत मौजूद है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस जहमत को आपके लिए, पूरे मुल्क के लिए रहमतों में बदल दे। दो महीने हो गए इन बारिशों की, इन दो महीनों में मैंने बलूचिस्तान का दौरा किया, अंदरूनी सिंध का दौरा किया, मैंने जुनूबी पंजाब को भी देखा, मैंने केपीके को भी देखा, आज मैं आपके दरमियान खड़ा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इन दो महीनों में मैंने जो कुछ देखा है वो आप लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग बड़े तकलीफ में हैं, लेकिन मैं कल सिंध से होकर आया हूं, यहां पानी ने आपको झटका दिया और गुजर गया, अब वो सारा पानी सिंध में कड़ा है,
50 किलोमीटर झील में जड्डू किया, शिकारपुर किया, जेकबाबाद किया, सकरत किया, ये पूरा इलाका यूं लगता है कि जिस तरह एक समंदर सिने एक समंदर बन गया है। मैं किश्ती में बैठकर कई गांवों का दौरा करता रहा, वहां के लोगों को देखा, बच्चों को देखा, माओ बहनों और बेटियों को देखा, सड़कों पर मौजूद है, उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, उनके भेड़ बकरियों और गाय और भैंसों के लिए चारा नहीं है, और यूं लगता है कि जिस तरह एक क़यामती सोगरा है। मैंने इस पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आया तो हमें अपनी हुकूमत नजर नहीं आई। एक दो बार मैंने सुना देखा कि वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन चले घूमते रहे बिलाखिर जमीन पर भी तो कदम रखे। आज मैं आपके पास आया हूं, मैंने यहां भी मालूम किया न सदर पाकिस्तान, न वजीर आजम पाकिस्तान, न वजीर आला पंजाब का, न कोई वफाकी मिनिस्टर यहां पर नहीं आया है। मैं ठीक बोलता हूं या गलत बात बोलता हूं? इसलिए मैं परवेज, क्या नाम है आपके, परवेज लाई से कहता हूं, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहता हूं, मैं सदर का क्या नाम है पूरा, आरिफ अलवी साहब से कहता हूं, आरिफ अलवी साहब से कहता हूं कि खुदा के लिए यहां नहीं, यहां के एमएनए का नाम मैं नहीं लूंगा। मैं इन सब से कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस्लामाबाद से आधा घंटे हेलीकॉप्टर का सफर आधा घंटा लगता है, तो क्या मियांवाली के लोगों के लिए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और जनाबे वजीर आला पंजाब के साथ आधा घंटा भी नहीं है कि यहां आकर इन लोगों की हालत मालूम करें? इमरान खान से मैं इसलिए गिला नहीं करता हूं, क्यों कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं, तो मियांवाली तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझता है। वो कहते हैं कि मैं सारे इंसानों के लिए लड़ता हूं, तो शायद यहां के लोगों को इंसानों में शुमार नहीं करते होंगे। सबसे पहले उनका फर्ज यही था कि वो इधर आते, वो चिश्तीये जा सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, एबटाबाद जा सकते हैं, लेकिन जिस इलाके के लोगों ने आंखें बंद करके उनके सर पर इज्जत की ये पगड़ी रखी, जो इज्जत की पगड़ी आज आप लोगों ने मुझे पहनाई है, उन लोगों के पास दो महीने। हाल यह है कि बनीगाला कराची में है या इस्लामाबाद में है? कहां पर है? क्वेटा में है या इस्लामाबाद में है? यानी एक घंटे का फासला है, तो ये उसकी गलती नहीं है, शायद आप लोगों की अहमियत नहीं है, शायद आप लोगों के बारे में उनका सोच यही है कि मैं जाऊं या ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे ज्यादा कोई और कियामत यहां ना आने दे हमारी जिंदगी में। अल्लाह आप लोगों को इज्जत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियां नसीब फरमाए। मैं यहां अल खिदमत फाउंडेशन की वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने डे वन से रहमत का परिश्ता बनकर यहां खिदमत शुरू की है। मैं दूर दराज इलाकों में आज गया तो यही अल खिदमत के परिश्ते मुझे नजर आए, लोगों ने भी इस पर एतमाद किया। यहां जो लाखों का चिक लोगों ने पेश किया है ये आम लोग हैं, अक्सर ऐसे हैं जो माजी में जमात इस्लामी के साथ नहीं बीते, लेकिन और तो क्या, खुद जनाबे इमरान खान की साबिका अहलिया ने भी कहा है कि अगर दयानतदारी के साथ अपना पैसा
मुस्तहिकीन तक पहुंचाना चाहते हैं तो अलखिदमत फाउंडेशन को दे दे। इसलिए कि अलखिदमत फाउंडेशन इंसानियत के साथ मोहब्बत का नाम है। अलखिदमत फाउंडेशन बिला तमीज और तासुब के बगैर इंसानियत की खिदमत का नाम है। अलखिदमत फाउंडेशन दयानतदारी का नाम है। अलखिदमत फाउंडेशन आजजी और इंकसारी का नाम है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि आप अलखिदमत फाउंडेशन में शामिल होकर इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतों को वक्फ कर ले। मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है तो वो काना भी अहम है, लेकिन रिश्तों का काम तो हो गया, अब घर बसाना, घर आबाद करना और मकानात की तामीर के लिए पैसे की जरूरत है। जिन लोगों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है उनको कारोबार के लिए एक रकम देने की जरूरत है। यहां जमींदार लोग हैं, अगर किसी को एक बेंच का पैसा मिल जाए, गाय के लिए पैसा मिल जाए, दुकान के लिए छोटा मोटा कारोबार करने के लिए पैसा मिल जाए, ये लोग अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैंने महसूस किया यहां लोग बाहिम्मत है, खेमों में रहने के आप लोग आदि नहीं है। आप लोगों को बुनियादी काम यही है कि सीमेंट और सरिया और इस तरह ये चीजें दी जाए ताकि आप लोग फौरी तौर पर अपने घर बना सके। वजीर आजम ने ऐलान किया कि हम 5 लाख रुपया देंगे। मेरा ये डिमांड है कि वजीर आजम साहब 5 लाख से अगर आप घर बना सकते हैं तो आप एक घर बनाकर दे दे, फिर हम वैसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर 1-5 लाख से आपका एक वॉशरूम भी नहीं बन सकता है तो आप कैसे लोगों को कहते हैं कि 5 लाख से घर बनाएं? क्या कोई ऐसा इंजीनियर है जो 5 लाख में घर बना ले? और फिर यहां ये जो नियाजियों का तो पता नहीं है, जो पटक खटा खटक है, खटक साहिबान, हर खटक के 12, 15 और 18 बच्चे होते हैं, तो इनका तो बिल्कुल 5 लाख से काम नहीं चलता है। इसलिए मेरा कम अज कम डिमांड यह है कि 25 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है वो दिया जाए। ये मंजूर है कि मंजूर नहीं है? जिसका जुज्वी तौर पर तबाह हुई है, घर तबाह हुआ है, उनका सर्वे करके उसके मुताबिक पैसा दिया जाए। लेकिन 25 लाख से कम पैसा देने का मतलब यही है कि 5 लाख तो मैंने दिए और बाकी खैर खैरात जमा करे, तो हमारी कौम को खैर खैरात जमा करने पर न लगा ले। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी जमात आपके साथ खड़ी है, और मैं तारिक भाई की इस बात को जरूर दोहराऊंगा कि अगर एक इमरान नियाजी साहब आपके पास नहीं आता है तो नहीं आए, इंशाअल्लाह ताला ही अब्दुल वहाब नियाजी। और मेरा ये, अब देखिए ये जो डॉक्टर साहब है ये कराची से सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं, ये मुराद अब्बास साहब है, ये 2 महीनों से यहां पर लगे हैं, ये जावेद भाई हैं, ये घर नहीं जाते और दिन रात आप लोग उनकी खिदमत में खड़े हैं। इस खिदमत का हम आप पर कोई एहसान नहीं करते। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल करे, बस ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें तौफीक दी और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी बातों को इसलिए मुख्तसर करता हूं कि मेरे माए बहनों और बेटियां भी यहां आए हैं, उनके बच्चे इनके इंतजार में होंगे। इसी पर इक्तफा करता हूं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।